नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट बाय लेक्चरर चेतराम पर। आज हम करने वाले हैं दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली या अंग्रेजी पद्धति हिसाब किताब लिखने की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति है। इस प्रणाली के जन्मदाता इटली के लुकास पैसियोली हैं, जिन्होंने काफ़ी गहराई से व्यापारिक लेन देनों का अध्ययन करने के पश्चात 1494 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, जिसमें इस पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। अपनी विशेषताओं के कारण यह पुस्तक थोड़े ही समय में अत्यधिक लोकप्रिय हो गई और सन 1544 ईस्वी में इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद ह्यूज ओल्ड कैसिटल ने किया। तत्पश्चात इसमें अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों के उपरांत एडवर्ड जोन्स ने सन 1785 ईस्वी में इस विषय पर बुक कीपिंग की अंग्रेजी प्रणाली नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में सर्वप्रथम क्रय विक्रय आदि बहियों तथा तलपट का प्रयोग किया गया। वर्तमान में यह प्रणाली सारे संसार में प्रचलित है। तो स्टूडेंट, तब भी बात आए कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कौन है, तो वो है लुकास पैसियोली। इसने इसकी जो खोज की थी 1494 ईस्वी में। तलपट होता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को ही तलपट बोलते हैं। अब है दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक लेन देन के दो पहलू या रूप होते हैं। अर्थात यदि किसी ट्रांजैक्शन को करने के लिए या किसी लेन देन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की अथवा दो पक्षों की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए, हरि ने नारायण से 50,000 रुपये का माल खरीदा, तो यह लेन देन दो व्यक्तियों के बीच हुआ, हरि और नारायण। एक अकेला व्यक्ति कोई लेन देन नहीं कर सकता, अर्थात ऐसा कोई लेन देन नहीं होता जिसका एक रूप हो। अतः लेखांकन की भाषा में प्रत्येक लेन देन कम से कम दो पक्षों अर्थात दो खातों को प्रभावित करता है। इसका मतलब ये है, अगर एक खाता हम डेबिट करते हैं तो दूसरे खाते को अवश्य ही क्रेडिट करना होता है सेम अमाउंट से। जैसे मान लो, अर्थात प्रत्येक लेन देन को में एक खाता पाने वाला और दूसरा खाता देने वाला होता है, एक रिसीवर और दूसरा गिवर। जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, डेबिट द रिसीवर, और जो देने वाला होता है उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट द गिवर। प्रत्येक लेन देन में समान राशि पाने वाले खाते के डेबिट पक्ष में और देने वाले के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए, हमें गोपाल से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो इसमें दो खाते हो गए, दो पक्ष हो गए, एक गोपाल और एक कैश। तो रिसीव क्या हुआ, कैश, और गिवर कौन है, गोपाल। तो रिसीव जो हुआ है कैश, कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और गोपाल के खाते को हम क्रेडिट करेंगे। दोनों ही डेबिट और क्रेडिट 5,000 रुपये से किया जाएगा। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल, पाँच हज़ार। कैश अकाउंट भी 5,000 से डेबिट किया जाएगा और गोपाल अकाउंट भी 5,000 रुपये से डेबिट किया जाएगा। तो ये हो गई डबल एंट्री सिस्टम, यानी एक ही लेन देन का कम से कम दो पक्षों पर
प्रभाव पड़ता है। अगर एक खाते को हम डेबिट करते हैं तो दूसरा खाता अवश्य ही क्रेडिट करना होगा, वो भी सेम अमाउंट से। अगर डेबिट 5,000 है तो क्रेडिट भी 5,000 ही होगा, इसे कम नहीं हो सकता। अब हम पढ़ते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत अथवा विशेषताएं, प्रिंसिपल्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक डेबिट को एक समतुल्य क्रेडिट की तथा प्रत्येक क्रेडिट को एक समतुल्य डेबिट की आवश्यकता होती है। अर्थात जितने रुपए से कोई खाता डेबिट किया जाता है उतने रुपए से ही दूसरा खाता क्रेडिट किया जाएगा। इस सिद्धांत की मुख्य इस प्रणाली के मुख्य सिद्धांत अथवा विशेषता इस प्रकार है। फर्स्ट, प्रत्येक लेन देन से दो खाते प्रभावित होते हैं। अभी बताया था कि एक देने वाला और एक पाने वाला, दो खातों में लेखा, अगला जो है वो दो खातों में लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। कुछ लेन देनों में दो से अधिक खाते भी प्रभावित हो सकते हैं, परंतु डेबिट और क्रेडिट किए जाने वाले खातों की राशि समान होती है। तीसरा है, दोनों पक्षों का निश्चित नियमों के आधार पर लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली में एक खाते को डेबिट और दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है किसी भी खाते को डेबिट और किसी भी खाते को क्रेडिट किया जा सकता है, बल्कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए कुछ निश्चित नियम हैं जिसके आधार पर डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, और ये नियम हम आगे पढ़ेंगे। चौथा है, तलपट बनाना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्योंकि एक खाता जितनी राशि से डेबिट किया जाता है दूसरा खाता उतनी ही राशि से क्रेडिट किया जाता है, इसलिए सभी डेबिट किए गए खातों का जोड़ और क्रेडिट किए गए खातों का जोड़ बराबर होता है। यह प्रणाली खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करने में सहायक है। ऐसी जांच तलपट बनाकर की जा सकती है। अब है खातों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किसी भी लेन देन का उचित लेखा करने के लिए खातों को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। अकाउंट्स, दो खाते दो प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट के दो टाइप हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इकट्ठा कहें तो ये हम मेनली तीन भाग मान लेते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। थ्योरेटिकली अकाउंट्स, देयर आर टू टाइप ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल फर्दर टू टाइप, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और इन खातों के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।